अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल और मेरे किचन यानी कि किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ होममेड मोल्डेड मार्वल चॉकलेट की रेसिपी। ये जो चॉकलेट है इसे डार्क और व्हाइट चॉकलेट से बनाया जाता है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप चाहे तो इस दिवाली पे इस चॉकलेट को बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसे बनाने में मेहनत भी बहुत कम लगती है और कम खर्चे में आप बहुत सारी चॉकलेट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मार्वल चॉकलेट की रेसिपी के लिए। मार्वल चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक पतीला चढ़ा दिया है। इसमें अब हम पानी डाल देंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। पानी को थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक कांच का बाउल रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये बाउल रख दिया है। याद रखें कि ये जो बाउल है वो पानी को बिल्कुल भी टच ना करे। तो अब हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लेंगे और मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। ये जो है कंपाउंड आपको बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। तो इसे अब हम डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चॉकलेट है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट होके रेडी है हमारी। तो इसी तरह से सेम मेथड से हमें व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ये दूसरा बाउल रख देती हूँ इसे मेल्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने 1 कप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया है, जिसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि इसे मेल्ट होने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये व्हाइट चॉकलेट डाल दी है मैंने। और इस चॉकलेट को भी हम जैसे हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे हमें 5-10 मिनट का समय लगेगा इसे मेल्ट होने में। तो मार्केट में आपको डार्क चॉकलेट कंपाउंड और व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। तो आप इसे किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा जो व्हाइट चॉकलेट है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट होने लगा है अब। और ये चॉकलेट कंपाउंड को हमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसे फ्रिज से बाहर ही रखें ताकि हमें इसे मेल्ट करने में आसानी हो। अगर हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो इसे मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलते हैं अब मेल्टेड चॉकलेट को मोल्ड करने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे ये 2 मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है। एक जो है वो फ्लावर शेप का मोल्ड है और एक जो है वो सिंपल मतलब किड स्पेशल मोल्ड है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज चॉकलेट मोल्ड का यूज़ करूँगी। ये चॉकलेट मोल्ड 60-70 रुपीज़ तक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये चॉकलेट मोल्ड में सबसे पहले हम व्हाइट चॉकलेट डाल देंगे। तो यहाँ पर मोल्ड को हमें पूरा नहीं भरना है, मोल्ड को हमें आधा ही भरना है और बाकी की जगह हमें डार्क चॉकलेट के लिए खाली रखनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आधे ही मोल्ड का जो आधा हिस्सा है उसे ही हमें यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट से भर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी जगह पे व्हाइट चॉकलेट डाल दी है। आप चाहे तो व्हाइट चॉकलेट के जगह पर डार्क चॉकलेट का भी सबसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट डाल देंगे। तो जितनी भी जगह बची रहे वहाँ पर हमें रैंडमली इस तरह से डार्क चॉकलेट डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह से चम्मच की मदद से मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो चॉकलेट है वो ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है तो आप इसे फिर से डबल बॉयलर मेथड के साथ मेल्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मोल्ड को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसे टैप करके इसे हमें फ्रिज में रख देना है 15-20 मिनट के लिए। याद रहे इसे फ्रिज में ही रखें, फ्रीजर में बिल्कुल भी ना रखें। और ये देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये दूसरे मोल्ड को भी मैंने भर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट डाली है, इसके बाद इसे अच्छी तरह से टैप कर दे। अगेन हमें यहाँ पे मोल्ड को पूरा नहीं भरना है। अगर आप यहाँ पे पहले डार्क चॉकलेट भरना चाहते हैं तो पहले डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो उस हिसाब से आप यहाँ पे डार्क या व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये बची हुई जगह में हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डार्क और व्हाइट चॉकलेट से सारे मोल्ड्स को भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि कहीं भी एयर बबल रहे तो वो निकल जाए। और लास्ट में हम इस तरह से थोड़ा सी व्हाइट चॉकलेट इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि ये जो मार्बल वाला जो डिज़ाइन हो वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आए। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। याद रहे यहाँ पे इसे फ्रिज में ही रखें, फ्रीजर में ना रखें आप। तो हमारी जो दोनों चॉकलेट है वो मोल्ड होने के लिए अच्छी तरह से रेडी है। तो यहाँ पे ये 25-30 मिनट के बाद मैंने ये ऑरेंज मोल्ड को निकाला है फ्रिज से और इसे इस तरह से डीमोल्ड कर ले। तो आप देख सकते हैं इसे डीमोल्ड करना भी बहुत ही आसान है और इसका शेप और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप शेप में हमने चॉकलेट बनाई है, ये स्क्वायर शेप का चॉकलेट है और ये बहुत सारे अलग अलग शेप में हमने मार्बल चॉकलेट बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। इसी तरह से यहाँ पर ये आधे घंटे के बाद मैंने ये दूसरे मोल्ड को भी
और डीमोल्ड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका भी शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा आया है और इसे डीमोल्ड करना भी बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है। और ये देखिए ये हमारी 30 चॉकलेट्स यहाँ पे बनके रेडी है। और ये देखिए हमारे ये मशरूम शेप चॉकलेट कितना क्यूट लग रहा है। और इसी तरह से हमारे ये जो फ्लावर वाले चॉकलेट है ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इस टाइप के बहुत ही अलग अलग शेप की चॉकलेट्स आप बना सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड या फिर प्लास्टिक मोल्ड की मदद से। ये जो मोल्ड्स है मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। आप इसे स्टोर करके 2 से 3 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए।